ये एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, प्रोडक्ट भी मैंने खुद खरीदा है। हाय, वेलकम टू लाइफ एडिक्शंस। आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ मामा अर्थ का एक नया प्रोडक्ट, जो कि है मामा अर्थ ग्रीन टी अंडर आई पैचेस। इसकी एमआरपी है 799 रुपीज, पर ये मुझे 600 के करीब मिला, क्योंकि मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स पे जनरली डिस्काउंट अवेलेबल होता है। इसमें 30 पेयर्स ऑफ आई पैचेस है, यानी कि टोटल 60 आई पैचेस। इंडियन कंज्यूमर्स के लिए ये प्रोडक्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर जनरली आई पैचेस इससे भी ज़्यादा दाम में आते हैं। इसमें एक स्पैचुला आता है, जिससे पैचेस को उठा के आँखों पे अप्लाई किया जाता है। कंटेनर में इनफ सीरम है, जिससे कि आई पैचेस इस्तेमाल करने से पहले कभी सूख नहीं जाएंगे। ये आई पैचेस ट्रांसल्यूसेंट ग्रीन कलर के जेल आई पैचेस है। It can be used before 18 months from the date of manufacture. First few ingredients में second ingredient है glycerin, जो कि skin को hydrated रखने में मदद करता है। Third ingredient है niacinamide, जो कि skin को brighten करने में मदद करता है, hydrated रखने में मदद करता है, skin को repair करने में मदद करता है। ये अंडर आई पैचेस कोनिया ग्जांथम गम से बना हुआ है, जो कि स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करेगा। इसमें कुछ मात्रा में सोडियम हैलुरोनेट है, जो कि स्किन को अगेन बहुत हाइड्रेटेड रखने में मदद करेगा। इसमें कम मात्रा में एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एंड कोलाजन भी है। पर इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में ये सारे इंग्रेडिएंट्स एंड की तरफ आते हैं, तो इस सब का परसेंटेज मेरे ख्याल से बहुत ही लो है। ज्यादा मात्रा में इसमें ग्लिसरीन है एंड नायसिनामाइड है। इसे इस्तेमाल करने के लिए इस पे लिखा हुआ है कि पहले मामा अर्थ के ग्रीन टी फेस वॉश से मुंह धोना है, पर आप कोई भी फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हो। फिर अपने अंडर आईज पे इसे इस तरीके से अप्लाई करना है। फिर मुंह पोंछने के बाद अपने अंडर आईज पे इसे ऐसे अप्लाई करना है। इसमें बहुत सारा सीरम होने की वजह से ये नीचे स्लाइड करता रहता है, तो अगर आप इसे लेट के फिर अप्लाई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर कुछ देर के बाद मेरे आँखों के नीचे ये कंफर्टेबली रह पा रहा था। इसे 15 मिनट रखने के बाद इसे हटा ले और आँखों के नीचे जो एक्सेस सीरम है उसे मसाज करना पड़ता है। इसे इस्तेमाल करने के बाद मैं थोड़ा वैसलीन अप्लाई करना पसंद करूंगी, ताकि स्किन में हाइड्रेशन बना रहे, और वैसलीन स्किन के हाइड्रेशन को लॉक कर देता है। वैसलीन स्पेशली अंडर आई एरिया के हाइड्रेशन को लॉक करने में बहुत मदद करता है। ये अंडर आई पैचेस हाइड्रेटिंग है, कूलिंग है, आँखों को डीपअप करने में भी मदद करता है। आप अगर इसे फ्रिज में रख के फिर इस्तेमाल करोगे तो आँखों को ये और भी अच्छे से डीप अप करेगा, कूल एंड सूथ करेगा। पर क्योंकि आप इसे डेली इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आप कभी कभार सूदिंग इफेक्ट के लिए इसे अप्लाई कर सकते हो, किसी स्पेशल ओकेशन में जाने से पहले, या फिर वीकेंड में रिलैक्सेशन के लिए, या फिर दिन भर लैपटॉप के सामने काम करने के बाद अगर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए तो आप इसे खरीद सकते हो, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये एक लग्जरी प्रोडक्ट है। आपको अगर अपने आप को कभी कभार पैम्पर करने की इच्छा हो तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। दिन भर के काम के बाद ये बहुत ही सूदिंग लगेगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए डेली केयर नेसेसरी है। आप कोई भी सीरम फेस पे लगाते हो, जैसे कि विटामिन सी, नायसिनामाइड या फिर हैलुरोनिक एसिड, वो आपके आंखों के नीचे भी काम करता है। या फिर अगर आप कोई सेपरेट आई क्रीम अप्लाई करोगे तो वो भी ठीक रहेगा। पर मेरे ख्याल से डेली इस्तेमाल करने के लिए ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। Hope you enjoyed watching this honest review. Please, please don't forget to like this video, subscribe to my channel and also hit the bell icon. Stay happy and keep glowing always. Bye-bye.